फ्रेंड्स, आज हम बीएससी आपका जो फर्स्ट ईयर है उसमें जो टॉपिक है टेलर थ्योरम, ठीक है, टेलर थ्योरम एंड टेलर एक्सपेंशन जो है उसके विषय में हम बात करेंगे कि टेलर थ्योरम क्या होता है, ठीक है, और इसके प्रॉब्लम कैसे होते हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और किस टाइप के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक। इसके बाद जैसे इसी की सहायता से हम ई पावर एक्स का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, साइन एक्स का एक्सपेंशन कैसे करेंगे और कॉस एक्स वगैरह का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेलर थ्योरम का क्या देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे कि टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इसके बाद उस पर जो बेस्ट प्रॉब्लम होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टेलर थ्योरम है सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, ठीक है, कि स्टेटमेंट इसका क्या है, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, सॉरी इसके बाद इस पर जो बेस्ट प्रॉब्लम होंगे वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो इफ मतलब यदि, ठीक है, एफ एक्स इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट फर्स्ट ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स अप टू एंड माइनस वन आर कंटिन्यूअस इन ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल ए प्लस एच इन ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल ए प्लस एच एंड सेकेंड nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट इन ए लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस एच देन एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस डॉट प्लस एच पावर एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एफ ए प्लस एच पावर एन बाय फैक्टोरियल एन एंथ डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस थीटा एच वेयर जीरो लेस देन थीटा लेस देन वन, ठीक है, तो ये रहा। तो सबसे पहले हम इसका जो स्टेटमेंट है इसे समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो लिखा है इफ एफ एक्स इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, सबसे पहले हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब पता करते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड एज रिलेशन
बिटवीन डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो आपका मतलब कि फंक्शन जो है एक तरीके का रियल मतलब रिलेशन संबंध के रूप में परिभाषित होता है डोमेन से रेंज में, ठीक है। इसके लिए क्या होती है कि जैसे डोमेन है आपका, ठीक है, और क्या है रेंज, रेंज, ठीक है। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है डोमेन का कोई एक एलिमेंट जब हम लेते हैं तो रेंज में उसके करिस्पॉन्डिंग केवल एक ही अवयव हमें मिलता है, एक से अधिक अवयव नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल है कि जैसे हिंदू धर्म में अब जो होते हैं अक्सर एक आदमी एक ही शादी करते हैं, ठीक है। तो एक आदमी एक ही शादी करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ ये आपका क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ जो संबंध है ये क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है इस तरीके का, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल क्या है एक्स, ठीक। और ये जो फंक्शन है ये डिफाइन है फ्रॉम एन टू एन, ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में डिफाइन है। और आपका जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से दिया है वाई इक्वल एक्स, ठीक है। तो देखिए यदि यहाँ बात करें तो देखेंगे कि जो डोमेन है ये भी क्या है, नेचुरल नंबर ही है, प्राकृतिक संख्या भी है और रेंज भी क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है। तो हम प्राकृतिक संख्या जो आपका है एन इक्वल, ठीक है, एन क्या है 1 2 3 4, यही तो आपका नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या। तो यदि हम यहाँ क्या करें कि कोई भी प्राकृतिक संख्या ले यहाँ एन के स्थान पर, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे, जैसे मान लीजिए हमने 1 पुट किया यहाँ एक्स के स्थान पर 1 पुट किया, क्योंकि एक्स क्या है डोमेन के एलिमेंट है और जो वाई है वो रेंज है, ठीक है। तो यदि हम एक्स के स्थान पर 1 पुट करें तो हमें वाई क्या मिला, 1 मिला, ठीक। मतलब डोमेन के जो डोमेन का कोई एक एलिमेंट हमने लिया एक्स का, ठीक है, एक लिया तो हमें रेंज में क्या मिला, एक ही मिला, ठीक। यदि हम 2 लेंगे मतलब एक ही एलिमेंट संगत मिल रहा है, यदि हम एक्स के स्थान पर 2 लेते हैं, एक्स के स्थान क्या लिया हमने 2, तो वाई के स्थान पर भी हमें क्या मिला, वाई बराबर भी क्या मिला 2। मतलब यदि हम 1 लिया तो यहाँ रेंज में क्या मिला 1, यहाँ डोमेन में हमने 2 लिया तो क्या मिला 2, ठीक है। मतलब डोमेन का कोई एक ही अवयव हम लेंगे, एक अवयव के संगत रेंज में हमें एक ही अवयव मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होते हैं कि आपके रेंज में जैसे डोमेन के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, डोमेन के एलिमेंट होते हैं उसमें उसके रेंज के एक से ज़्यादा इमेज बनाते हैं, तब वो क्या होता है, मेनी वन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ 1 1 फंक्शन आपका होना चाहिए। तो यदि 1 1 फंक्शन है तो क्या होता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी। इसमें सीधी सी बात है कि डोमेन का कोई एक एलिमेंट है और रेंज में क्या है, एक ही अवयव मिले, तो उसे क्या कहते हैं, आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो 1 1 है और मेनी 1 भी होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मेनी 1 भी होते हैं। तो सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा कि एफ एक्स क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है एक्स का, ठीक है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का सीधा सा मतलब है यदि हम डोमेन में एक एलिमेंट लेते हैं तो उसके संगत रेंज में हमें एक ही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका जो स्टेटमेंट है लिखा ऑल द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स से जितने भी अवकलन है, ठीक है, कहाँ तक, एन माइनस वन तक, ठीक है। मतलब जो आपका फंक्शन है एफ एक्स एन माइनस वन तक जो सभी डेरिवेटिव है मतलब अवकलन है, ठीक है। तो हमने सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन हमने बताया हुआ है, तो हम कोई भी फंक्शन है उसे एंथ टाइम तक क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स अप टू, ठीक है, सभी फंक्शन को एंथ टाइम तक तो डिफ्रेंशिएट, मतलब सबके अपने अपनी क्या होती है, रेंज होता है, ठीक है। तो जैसी कंडीशन है वैसा हम कर भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है, एंथ टाइम तक डिफ्रेंशिएशन की बात है। तो लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि सभी डेरिवेटिव जो आपका फलन होगा एफ एक्स से सभी डेरिवेटिव कहाँ तक, एन माइनस वन तक, ये क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे और किस रेंज में, ठीक है, किस में, किस रेंज के में आपके कंटिन्यूअस होंगे, मतलब किस डोमेन में, एक्स ए
से ए प्लस एच के बीच, ठीक है, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा, ठीक है, एक्स का जो वैल्यू होगा डोमेन, ठीक है, वो क्या होगा, एक्स का वैल्यू ए के बराबर होगा या ए से बड़ा होगा, और एक्स का जो वैल्यू है ए प्लस एच से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। मतलब जो फलन है आपका एफ एक्स, इसके सभी डेरिवेटिव कहाँ तक, एन माइनस वन तक क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, मतलब संतत होंगे, किस इंटरवल में, एक्स या मतलब कि ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल ए प्लस एच, मतलब इस इंटरवल में क्या होंगे, ये कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। ये आपका क्या रहा, मतलब फर्स्ट वो रहा मतलब स्टेटमेंट। इसके देखिए दो टाइप है ना, तो मतलब कि दो तरीके से, मतलब दोनों का एक ही में है, ठीक है, मतलब टेलर थियरम के ही अंतर्गत है। और नेक्स्ट क्या है, आपका जो कोई जो फंक्शन है एफ एक्स, इसका जो एंथ डेरिवेटिव है, जो फंक्शन है एंथ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है, मतलब जो एंथ टाइम आप डिफरेंशिएशन करते हैं वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब यदि आप एंथ डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो आना चाहिए आपको, मतलब मिलना चाहिए, ठीक है। और किस इंटरवल में, यहाँ जो इंटरवल है ये क्या है, ओपन इंटरवल है, ये ध्यान देंगे, ठीक है, वहां सेमी सेमी क्लोज था, यहाँ ओपन है, ठीक है, सेमी ओपन नहीं कर सकते, मतलब ओपन भी, और मतलब कि क्या है, एक तरीके से क्लोज फंक्शन है, ठीक है, क्या है, क्लोज, वहां जो है देखिए ये क्या है, क्लोज फंक्शन है, इसका ध्यान देंगे, और यहाँ क्या है, ओपन है, ठीक है। तो यहाँ जो एक्स का जो वैल्यू है, मतलब जो इंटरवल है, एंथ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब जो एंथ टाइम हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जिसे हम सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन भी करते हैं, बारी बारी नहीं करते हैं, ठीक है, एंथ टाइम, तो जो फलन है आपका एफ एक्स, ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, किस इंटरवल में, ए लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस एच, मतलब इस इंटरवल में ए से ए प्लस एच के बीच में, ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, इसका जो एंथ डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है, आप एंथ डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो आपको मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको न मिले, ठीक है। तो हमें लगता है आपको स्टेटमेंट समझ में आए, आपको समझ में आ जाए, तो यहाँ हमें इसे इस टाइप, मतलब इस रूप में भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल एफ ए प्लस एच एच एफ डैश ए, एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस डॉट प्लस एच पावर एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल एन माइनस वन, एफ एंथ डेरिवेटिव ऑफ एन माइनस वन ऑफ एफ ए प्लस, इसे हमने क्या मान लिया, आर एन, क्या हम ले लिया, हमने आर एन मान लिया पूरा, ठीक है, इतना जो है एच पावर एन बाई फैक्टोरियल एन एंड एंथ डेरिवेटिव ऑफ एफ ए प्लस थीटा एच, ठीक है, तो इसे हमने क्या मान लिया, आर एन। अब क्या करते हैं हम, सपोज आर एन टेंस टू जीरो, कब आर एन टेंस टू जीरो कब होगा, एस एन टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, जब एन इनफाइनाइट होगा तब क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट बोथ साइड वी हैव, ठीक है, टेकिंग लिमिट बोथ साइड वी हैव, क्या मिल जाएगा हमें, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल एफ ए प्लस एच इक्वल एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट प्लस एच पावर एन बाई फैक्टोरियल एन एंथ डेरिवेटिव ऑफ एफ ए, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, सीरीज मिली, इसी को हम क्या कहते हैं, टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज, क्या कहते हैं, टेलर इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, टेलर इनफाइनाइट सीरीज, क्या कहते हैं, टेलर इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं, ठीक है, किसका, एफ ऑफ ए प्लस एच का,
ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, टेलर इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो आई होप आपको इस स्टेटमेंट समझ में आया।